हमको पता था तो बेटा दलम क्यों रहा है, दलम देगा फिर उसके बाद कहेगा मम्मी ऊपर खाना दे दे, उनको पता है बच्चा। तो बेटे जी अभी दलम रहे हैं क्योंकि दलम देने का कारण भी है, लेट भी हो रहे हैं। तो अभी मैं प्याज कट करूंगी, और प्याज कट करने से पहले एक बार सोचती जरूर हूँ कि प्याज कट कर रही हूँ यार तो अभी लगेगा मुझे भयानक वाली, मेरे आंखों में जलन होगी। बट फिलहाल मैं अभी प्याज कट कर लेती हूँ और उसके बाद खाना निकाल लेती हूँ। तो अभी तो प्याज नहीं लग रही, लग नहीं रही है। तो मेरा प्याज हो गया है कट, और बारीक बारीक मैं लगे हाथ कट कर लूँ। और दाल की तो आप सीटी सुन ही रहे हैं कि पी 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 कर रही है। तो मेरे बेटे जी को बोल लगी है बहुत जोरों की भूख। और श्रेया तुम्हें कैसे लग रही है, तुम्हें कैसे भूख लग रही है? मुझे मुझे ये चीज खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा बासी बासी सब। उतना अच्छा नहीं है यार। जब ताजा रहते हैं ना इतना मजा आती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे खीरा जो है छील लूँ। खीरा जो है ना देसी आया था, बट देसी आने के साथ साथ ना मेरी गलती की वजह से क्योंकि मैं इसे खत्म नहीं कर पाई। कल मेरे हस्बैंड फिर से खीरा लेके आए हैं, लेकिन वो ये वाला नहीं है, वो दूसरा देसी वाला है। जो ये देसी है इसका टेस्ट जो मजा आता है वो उसमें नहीं आता है, फिर भी खाना तो पड़ेगा ही। और आज मैं जब मैं एक्सरे करा के आ रही थी तो वहाँ से देखी कि एक ठेलिया पे भैया लिए थे, मैं इनसे बोलने वाली थी लेकिन बोली इसलिए नहीं कि इनको ऑफिस जाना था, और मैं बोलूँगी तो कहेंगे कि हाँ आप सारा काम छोड़ के खीरे खरीद लो। तो मैं नहीं बोली, कह चलो ठीक है बाद में ही ले लेंगे, कह देंगे तो ले आएंगे। तो मेरा जो है खीरा जो है कट गया है, और दाल भी जो है सीटी जो है बंद हो गई थी, इसका मतलब है कि दाल अब मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। तो पर इसके बाद पहले इस करने से पहले मैं इसको कर लेती हूँ और खाना निकाल दूँ। बेटे जी बहुत जोर से भूख लगी, मुझे भी लगी है यार। मैं भी दो पराठे खा के एक्सरे कराने चली गई थी, और श्रेया तो हम लोग दो पराठे खाए थे, श्रेया तो एक ही पराठा खाई थी। तो मेरा यहाँ पे कट हो गया है, इसको मैं अभी खा लूँगी दूसरे टाइम छील के। तो अभी फिलहाल मैं खाना निकाल लूँ।